खुद को इतना बदल लो कि जमाना तरस जाए तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। ठीक इस लड़के की तरह जिसकी पावरफुल स्टोरी अभी आप सुनोगे। एक लड़का था, वो दिल का बड़ा साफ था, मगर उसके साथ एक दिक्कत थी कि वो हद से ज्यादा दूसरों के पास जाता, हद से ज्यादा दूसरों को भाव देता और कई बार खुद का मजाक उड़ने के बाद भी खामोश रहता। इसी वजह से लोग उसका इस्तेमाल भी करते, उससे काम निकलवाते, और एक बार उसके इस्तेमाल से काम निकल गया तो फिर उसे दोबारा पूछते तक नहीं। वो लड़का दूसरों के लिए दिन रात पागल रहता, लेकिन बदले में दूसरों को उसके होने या ना होने से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था। वो कभी भी दूसरों को ना नहीं कर पाता था। कोई उससे मदद मांग ले बस एक बार, वो अपनी जान लगा देता उसकी मदद करने के खातिर। इसी चक्कर में वो पढ़ाई में भी पिछड़ गया, दोस्तों के पास जबरदस्ती जाता ताकि वो अकेला ना रहे और मजे कर सके। लेकिन उसके दोस्त उसको बस नाम के लिए पूछते थे, अगर वो होता तो भी ठीक है और ना होता तो भी ठीक है। ऐसा ही सिलसिला कई महीनों तक चलता रहा। अब धीरे धीरे उसे भी इस बात का एहसास होने लगा था कि लोग उसका इस्तेमाल सिर्फ अपने काम के लिए करते हैं। एक बार उनका मतलब निकल जाता है तो वो उससे पूछते तक नहीं। उसे ये बात अंदर से तोड़ती थी, झकझोरती थी, लेकिन फिर भी वो सेम चीज दोबारा करता, फिर से उन्हीं लोगों के पास जाता। कोई अगर सुना भी देता तब भी जवाब नहीं देता, और इसी बीच ना तो उसका ध्यान पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और काम में। असल में वो उन चार लोगों में, चार दोस्तों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। जो साथ नहीं भी होना चाह रहे थे उन्हें भी जबरदस्ती अपना बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बस अब खत्म हुआ। आखिरकार अब उसे पूरी तरह ये एहसास हो चुका था कि वो इस जमाने में सिर्फ और सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। ना उसका कोई वजूद है और ना ही कोई कीमत है। अब उसे बहुत बुरा लगता है, उसका दिल टूटता है। वो अकेले कमरे में खुद को बंद करके रोता है। लेकिन अगले दिन से अब वो सब कुछ बदलने का फैसला करता है। उसे अब इस जमाने में मजाक नहीं बनना, बड़ा इंसान बनना है। वो इतना सस्ता नहीं होना चाहता कि कोई भी कभी भी आकर उसका इस्तेमाल कर ले, बल्कि वो इतना महंगा बनना चाहता है कि उसको इस्तेमाल करने से पहले लोगों को अपनी औकात याद आ जाए, उन्हें अपनी औकात नापने की जरूरत पड़ जाए। फैसला बवाल था, लेकिन ये बस शुरुआत थी। शुरुआत में इतनी दम दिखाना, इतनी हिम्मत दिखाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन वो करता है। इस बार वो अपने वजूद को मजबूत करने के लिए कड़े फैसले लेता है। अब वो लोगों को दिखना कम कर देता है। उन चार दोस्तों में जहां पहले उसकी जरूरत नहीं थी, अब वहीं उसकी कमी खलने लगती है। वो बस अपने काम, अपनी पढ़ाई पर जोर डालता है, फोन को हाथ में रखना बंद कर देता है ताकि कहीं वो भटक न जाए। अब वो पूरा बदल चुका होता है। अब कोई उसको किसी काम के लिए बोलता है तो पहले वो अपना काम देखता है। अगर उसके पास पहले से जिम्मेदारियां हैं तो वो सीधे मुंह पर ही मना कर देता है। वो अब कोई गलती नहीं करता। वो अब दिशा पकड़ चुका था, रफ्तार बढ़ा चुका था। उसने खुद को हर काम, हर सब्जेक्ट में परफेक्ट किया। जहां पहले उसको सिर्फ पास होने तक के मार्क्स चाहिए थे, अब वो 80% आने के बाद भी नाखुश था। उसका दिलो दिमाग अब अपने उसूलों पर चलने लगा था। उसे अगर अब कोई एक बार गलत बोलता तो वो उसे 10 बार गलत साबित कर देता। इस वक्त तक आते आते समाज में लोगों के बीच वो मशहूर होता गया। उधर पढ़ाई में उसने कामयाबी हासिल करी और इधर अपने व्यक्तित्व को सुधारने में जी तोड़ मेहनत करी। वो लड़का अब सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों के पीछे पागल रहने लगा था। लोग भी कहने लगे थे, अरे यार ये इतना कैसे बदल गया है, कैसे संवर गया है। अब लोग तरसते थे उस इंसान को उस लड़के में देखने के लिए जैसा वो पहले रहा करता था। अपनी तैयारी में उसने 4 चांद लगाई। होशियारी से उसने अपना सपना पूरा किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट, बाद में कमिश्नर बना, और आज के वक्त जो रिश्तेदार पहले उसको ब्लॉक करके रखते थे, अब वो उसके कॉल का इंतजार करते हैं। दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है एक लड़के की, जिसे पहले यही जमाना ठुकराता था और आज उसके तलवे चाटने को भी तैयार है। बदलाव संभव है, बस दिल में वो आग लगनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ये मालूम है कि इस लड़के की कहानी को हर 3 में से 1 आदमी ने खुद से रिलेट करा होगा, क्योंकि आज 1/3 लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। उनसे बस इतना बोलना चाहता हूँ कि खुद को इतना बदल लो कि लोग तरस जाएं तुम्हें पहले जैसा देखने के लिए। बदलाव एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर हर रोज आगे बढ़ोगे धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक दिन बहुत बदल जाओगे। आज से कम 100 गुना बेहतर हो जाओगे। और इसके लिए मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो भी डाल रखा है, 90 डेज चैलेंज वाला, उसे जरूर देखना। और अगर इस कहानी से दिल में आग लगी हो, कुछ करने और बनने का हौसला आया हो और आंखें खुली हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बाकी ऐसे ही और भी बवाल वीडियोस देखने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।